हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन ये है कि 50,000 रुपए का 1 अप्रैल 2021 को सामान खरीदा, या 1 अप्रैल 2022 भी हो सकता है, ये जो भी है। सवाल कुछ इसी तरीके का है कि 1 अप्रैल को 50,000 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, किनसे खरीदा, जिनसे भी खरीदा वो क्रेडिटर पार्टी से खरीदा, वो क्रेडिटर पार्टी का नाम आ जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं एक कंपनी पहले से बनी हुई है, प्रसाद एंड सन्स, और यहां पर आना है वाउचर में, और कहां आना है परचेज वाउचर में। तो अभी जैसे ही परचेज वाउचर में आते हैं तो यहां पर तो आपको नेम ऑफ आइटम मिलता है, देख सकते हैं कि नहीं, यहां नेम ऑफ आइटम नजर आ रहा है। अब हमेशा ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे जबकि ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, प्रसाद एंड सन्स से 50,000 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। तो ऐसे में सामान का नाम नहीं दिया होता है, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन थोड़ा और कंफर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आएंगे तो यहां पर तो आपको नाम देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि प्रसाद एंड सन्स से खरीद रहे हैं, तो प्रसाद एंड सन्स आपकी क्रेडिटर पार्टी हो जाएगी। तो ये प्रसाद यहां सन्स, ठीक है, तो ये हो गया प्रसाद एंड सन्स, ये तो क्रेडिटर पार्टी हो गई। एंटर किया, यहां सन्डी क्रेडिटर में इसे डाल देंगे, ये डाल दिया इसे सन्डी क्रेडिटर में, और यहां पर आ गए, एंटर किया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है, इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद क्या करना है, यहां पर परचेज अकाउंट का एक लेजर लगाना है, ठीक है, ये लगा दिया परचेज अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यही तरीका मैं इस्तेमाल करता हूं। यही तरीका अगर आपको भी पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप एंट्रीज नहीं पास कर पाएंगे। तो अभी देखिए यहां पर नेम ऑफ आइटम आ गया, तो अभी क्या करेंगे, यहां पर तो केवल यह दिया गया है कि 1 अप्रैल 2021 को या 2022 को प्रसाद एंड सन्स से सामान खरीदा कितने रुपए का, 50,000 रुपए का सामान, थोड़ी ना दिया गया नाम, थोड़ी ना दिया गया कि कौन कौन सा सामान खरीदा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो यहां से आप मोड को चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है, और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में ही आपको क्या करना है, आ जाना है, ठीक है, और यहां पे लगा लेना इस तरीके से। ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर हो गया, 1 अप्रैल 2022 हो गया, और यहां पे क्या करना है, प्रसाद एंड सन्स का लेजर लगा देना है। तो ये लगा दिया प्रसाद एंड सन्स का लेजर, और यहां पे एंटर करते हुए नीचे आ जाइए। बस यहां पर बात फंसती है कि यहां पर आएगा क्या, तो यहां पर चिंता मत कीजिए, यहां पर लिखिए परचेज अकाउंट, क्या लिखना है आपको, परचेज अकाउंट, ये ऑब्लिक सी, अगर पहले से बना है तो ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आ जाता है, मेरे पास पहले से है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पी प्रेस करके परचेज अकाउंट का लेजर लगा देता हूं, हो गया। देखिए कितना आसान है, 50,000 रुपए का सामान खरीदा है 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है, इसी तरीके से 21 में भी एंट्री पास कर सकते हैं। ये हो गया, यहां पर दे दीजिए गुड्स, यहां पे कुछ इस तरीके से GOODS, गुड्स ऑफ वर्थ ₹50,000, ठीक है, ये हो गया, बस आपकी एंट्री पास हो गई, एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। यही तो एंट्री है, एकदम इजिली हो जाएगा। इसी को सेल्स में करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो या जाएंगे सेल्स वाउचर में फेड प्रेस करके, या गए सेल्स वाउचर में, ठीक है। अब ये सेल्स वाउचर है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए जो सामान आपने परचेस किया है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 30,000 रुपए का सामान एक डेटर पार्टी है जिसका नाम है रमेश, उसको बेचा, किसको, रमेश को बेचा, तो यहां पे अल्ट सी करके डेटर पार्टी का नाम लिख दीजिए रमेश, ठीक है, ये लिख दिया, ये डेटर पार्टी है तो सन्डरी डेटर में चला जाएगा, तो यहां से सन्डरी डेटर कर दीजिए, और यहां एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। पहले ये एक्सेप्ट हो गया, इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है, एंटर करके ये हो गया। अब यहां पे एंड ऑफ लिस्ट आ गया, यहां पे क्या बेचा, सामान बेचा, और सामान का नाम तो है ही नहीं, तो सामान में क्या डालेंगे, यहां पे डाल देंगे सेल्स अकाउंट, वहां परचेज अकाउंट, और यहां डाल दिया सेल्स, और यहां डाल देंगे अकाउंट, ऑब्लिक्सी, एंटर करेंगे, और यहां एस प्रेस करके सेल्स अकाउंट कर देंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, हो गया काम। कितने का सामान बेचा है, 50,000 का बेचा है, तो ये बेच दिया 50,000 का, और ये हो गया काम आपका। अब जब इसका रिसिप्ट आप देखेंगे, प्रिंट आउट देखेंगे, तो ये देखिए, ये यहां पर सेल्स अकाउंट वाला प्रिंट आउट है, देख सकते हैं, यहाँ आई बटन प्रेस करके आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं कि नहीं, यहां पर देखिए ये एक प्रिंट आउट कुछ इस तरीके से आएगा, सामान कितने का है ये आपको यहां पर दिख रहा है, क्लियर। अगर आपको कोई दिक्कत होती हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस तरह का सवाल अगर आपके सामने आए तो बहुत इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।